नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 चुनावी साल है और चुनावी साल में जाहिर है राजनीतिक लड़ाई आक्रामक तरीके से लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे सभी राजनीतिक दल, और आक्रमण शुरू भी हो गया है। आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधी जंग चल रही है। पहले आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बहस करने की चुनौती दी, तो जवाब में जेडीयू ने यह कहा कि सीएम नीतीश कुमार को बहस की जरूरत नहीं है, हमारे पंचायत अध्यक्ष ही आरजेडी से फरियाद लेंगे, हमारे पंचायत अध्यक्ष ही आरजेडी से बहस करने में सक्षम है। जेडीयू ने एक बार फिर ललकारा है, चुनौती दी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी को कि शिवानंद तिवारी जी, जगदानंद सिंह जी, हमारे पंचायत अध्यक्ष बहस का इंतजार कर रहे हैं, बहस कीजिए। क्या कहा है जेडीयू प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री और नेता नीरज कुमार ने, उसको सुनिए। 36 घंटा हो गया माननीय जगदानंद बाबू, माननीय शिवानंद तिवारी जी, 15 वर्ष का हिसाब लो और हिसाब दो। जगता बाबू, शिव अवतार रावत जनता दल का पंचायत अध्यक्ष, बहस के लिए समय मांग रहा। शिवानंद तिवारी जी, गांव की ग्रामीण महिला चंद्रावती देवी जो जनता दल की पंचायत अध्यक्ष है, वह आपसे जवाब मांग रही है। क्या इसके लिए भी होटवार जेल के कैदी नंबर 3351 से अनुमति ले रहे हैं? ज्ञान का चोच फैला करके आतंक मचाए हुए हैं। चुनौती स्वीकार करिए। अगर चुनौती स्वीकार नहीं करिएगा, इसका मतलब साफ है कि आपकी जुबान 8वां 9वां पास तेजस्वी यादव के सामने भी नहीं खुलता है, और तेजस्वी यादव के सामने साष्टांग दंडवत होकर के अपनी राजनीतिक जमीन बेचने वाले लोग आज राजनीति में प्रवचन कर रहे हैं। तो नीरज कुमार अपने अंदाज में अपने सियासी दुश्मनों पर हमले करने के लिए जाने जाते हैं, मुखर प्रवक्ता रहे हैं जेडीयू के, अब सरकार में कद्दावर मंत्री हैं, लेकिन उसी आक्रामकता के साथ अपने सियासी दुश्मनों पर हमला करते हैं। जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी को ललकारा है कि हमारे पंचायत अध्यक्ष बहस का इंतजार कर रहे हैं, आइए और बहस कीजिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।